देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे, देखिए 13824 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना, घनमूल कैसे ज्ञात करें दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। चार ऑप्शन आप सामने, 21, 23, 24, 28। तो दोस्तों घनमूल होता है कि किसी संख्या का उसी में तीन बार गुणा करें तो घनमूल प्राप्त होता है। घनमूल में तीन तीन के जोड़े बनते हैं, तो इसी संख्या को पहले गुणनखंड करेंगे और फिर तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। दोस्तों घनमूल में तीन तीन के जोड़े बनते हैं, तो आइए दोस्तों हम गुणनखंड करते हैं। देखो 13824 इसका गुणनखंड विधि से घनमूल करते हैं। तो पहले दोस्तों ये चार है तो दो से लगेगा, दो दो छंग 12, एक बच्चा 18, दो नम 18, दो एकम 2, दो दूनी 4, फिर लास्ट में दो है, सम संख्या है तो दो से लगेगा ना, तो दो तिया 6, दो चौक 8, एक बच्चा 10 यानी 11, दो पंजे 10, दो छंग 12, फिर 6 दोस्तों, फिर दो से लगेगा, दो एकम 2 और एक पे 4 14, दो साथी 14, फिर दो दूनी 4, फिर 16, दो अटी 16। तो दोस्तों फिर दो से लग सकता है इसमें, है ना, तो 2 8 16 12 2 6 12 2 6 8। फिर दोस्तों लगेगा, यानी कि यहाँ पे अपना एक जोड़ा तो बन ही गया। अगला देखते हैं, 2 6 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर दो से लगाए तो 2 2 4 और 2 1 2 और 2 6 12, दूसरा जोड़ा बन गया। आगे देखते हैं, देखिए फिर दो से लगेगा तो 2 1 2, 1 2 नहीं गया 0, 2 8 16, फिर दो से लगेगा 2 5 10, 2 6 8, दो से लगेगा तो 2 2 4, 2 7 14, तो एक जोड़ा और बन गया 27। अब 3 से लगेगा, 3 9 27, 3 से लगेगा 3 1 3 3 9, 3 1 3, एक जोड़ा और 3 का बन गया। अब अपने पास 3 3 के कितने जोड़े बने, एक तो 2 का जोड़ा बना, फिर 2 का जोड़ा बना, फिर 2 का जोड़ा और एक जोड़ा 3 का, तो 2 2 4 2 8 8 3 24, इनसे कितना आ रहा दोस्तों, 24 आ रहा। 24 किसे आपसे, सी आपसे मैच कर। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।